नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक वेलफेयर रिसर्च में, जहां आपको वेलफेयर से संबंधित हर अपडेट्स मिलता रहता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के सभी प्रकार के नए नए अपडेट्स आपको मिलता रहे। दोस्तों से शेयर करें, ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सके। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, वह वन रक्षक एवं वनपाल की बंपर वैकेंसी के बारे में है। इसमें एक सर्विसमैन के लिए 500 से भी ज्यादा वैकेंसियां हैं। आइए पूरे विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020, ये वैकेंसी 2020 की थी, और इसमें और भी नई रिक्तियां जुड़कर यह रीओपन हो गया है, और यह 14/3/2022 से 29/3/2022 तक भरा जाएगा। जानते हैं इसके बारे में पूरे विस्तार से। सबसे पहले वनपाल एवं वन रक्षक के रिक्त पदों पर वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले वनपाल गैर अनुसूचित क्षेत्र, इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 वैकेंसी है। वनपाल अनुसूचित क्षेत्र, इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वैकेंसी है। वनपाल गैर अनुसूचित क्षेत्र, इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 607 वैकेंसी है। वन रक्षक अनुसूचित क्षेत्र, इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 159 वैकेंसी। इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, यानी भूतपूर्व सैनिक जिस वर्ग में आएंगे उस वर्ग के अनुसार उनको वैकेंसी मिलेगा। अगर जनरल हैं तो जनरल, ओबीसी हैं तो ओबीसी कैटेगरी में आके उनको वैकेंसी मिलेगा। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया गया है, जिसके लिए पात्रता की शर्तों की गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पर की जाएगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था, अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता शर्तें पूरा करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा। यानी उस समय की वैकेंसी में जो लोग उसमें आवेदन किए थे वो तो पात्र हैं ही, लेकिन अभी भी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था वे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भूतपूर्व सैनिक अभी रिटायर होने वाले हैं या अभी रिटायर हो चुके हैं, वे भी इस रिक्ति का, इस वैकेंसी का लाभ उठा सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि 14/3/2022 से 29/3/2022 को 23:59 यानी रात को 11:59 तक जमा किया जा सकता है, और इसकी जो परीक्षा होगी वह अक्टूबर माह के 2022 अक्टूबर को निर्धारित है, संभावित है। भूतपूर्व सैनिकों हेतु प्रावधान इसमें सब चीज वर्णित है। थल सेना, वायु सेना और जल सेना के सेवानिवृत्त सैनिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैनिकों के लिए 12.5% का आरक्षित सीट भी इसमें है, और इसमें अगर दिव्यांगजन, निःशक्तजन हेतु भी प्रावधान है, यानी उसमें जो भी कैटेगरी रिजर्वेशन का है उसमें उनको मिलेगा। और इसकी जो सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वह है इसमें आवेदन की अंतिम तिथि, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। 14/3/2022 से 29/3/2022 तक के बीच हमको इसको अप्लाई करना होगा। सीएससी, नेट बैंकिंग और एटीएम कार्ड के माध्यम से इसका पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 10वीं पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, और फॉरेस्टर के लिए 10+2 भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना अनिवार्य है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।